कहीं सुनहरी धूप तो कहीं बादलों से लिपटा समा, छोटे बड़े खूबसूरत पहाड़ों का अपनी हरियाली से श्रृंगार करते रोमांचक बीहड़ जंगल, मौसम के बदलते हर मिजाज के एहसास को अपनी मिट्टी में घोले ये दो जुड़वा शहर किरिबुरु मेघाहातुबुरु। किरिबुरु और मेघाहातुबुरु पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा से 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जहां पर्यटक सड़क मार्ग के जरिए पहुंच सकते हैं। 700 पहाड़ों की गोद में बसे इन शहरों की यात्रा बराईबुरु चेकनाका हाथी चौक से शुरू होती है, जहां से खूबसूरत वादियों के बीच से गुजरते हुए पर्यटक किरिबुरु तक पहुंचते हैं। कुदरत के गोद में बसे ये दो शहर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ सूर्योदय और सूर्यास्त के मनोरम दृश्यों के लिए भी मशहूर है। एक ओर जहां उदयीमान भास्कर की लालिमा के छींटे इन वादियों के साथ साथ पर्यटकों के मन में एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ऊंचाई से निहारते पहाड़ियों के बीच अस्त होते सूर्य को देख ऐसा प्रतीत होता है मानो क्षितिज पर नीले रंग की चादर ओढ़े हरे भरे बिस्तर पर धीरे धीरे आदित्य देव निंदिया रानी के आंचल में समाहित हो रहे हों। इन मनोरम दृश्यों के अलावा पर्यटक यहाँ मौजूद पुष्प वाटिका का भी आनंद उठा सकते हैं। छोटे से तालाब के किनारे बसा ये पुष्प वाटिका लेक गार्डन के नाम से जाना जाता है, जहां दूर दूर तक बिछे फूलों के चादर और प्यारे प्यारे जानवरों के बीच कुछ वक्त गुजार पर्यटकों को असीम सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। लेक गार्डन से कुछ ही दूरी पर मौजूद है भक्ति के रस में सराबोर बाबा लोकेश्वर मंदिर, जहां पर्यटक बाबा भोलेनाथ के साथ साथ भगवान अयप्पा, चित्रगुप्त, विश्वकर्मा, हनुमान और मां शक्ति के दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु के दर्शन के बाद पर्यटक इस क्षेत्र के रोमांचक सफर पर निकल सकते हैं, जहां यहां मौजूद साल वृक्षों का गढ़ कहे जाने वाले सारंडा के बीहड़ जंगलों के बीच विचरण करते हुए ट्रैकिंग और छोटे बड़े झरनों का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही पर्यटक यहां प्रकृति के साथ आधुनिकता के अद्भुत मिश्रण का आनंद यहां मौजूद लोह अयस्क खदानों के रूप में उठा सकते हैं, जहां की लाल मिट्टी किरिबुरु के भूगर्भ में मौजूद कुदरत की धरती को दिए अनमोल उपहारों का प्रतीक है। सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन के दृष्टिकोण से किरिबुरु है। किरिबुरु में एक सनराइज पॉइंट है और एक सनसेट पॉइंट है, जिसको सेल के द्वारा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया गया है। 700 पहाड़ियों की श्रृंखला, चहु दिशाओं में बिछे बादलों की मनमोहक चादर, साल वृक्षों और लोह अयस्क खदानों के भंडार इस शहर को झारखंड का चेरापूंजी भी कहा जाता है। रोमांच से भरा एक सफर और अस्मरणीय अनुभव किरिबुरु और मेघाहातुबुरु की उत्तम परिभाषा है। तो सारंडा के इस रमणीय सफर पर आएं और प्रकृति के इस अनुपम और अद्भुत नजारों का लुत्फ उठाएं।